अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ना वो है हमारी जूम के हवाले से। जूम की जो मीटिंग्स होती हैं, आपको अनाउंसमेंट्स भी की होंगी हर सब्जेक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका एक कोर्स था CS 101, उसके अनाउंसमेंट्स के अंदर जो है ना वो आपको मीटिंग्स अनाउंस की गई थी ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे। जैसे कि आज फ्राइडे है और आप तीनों दिन ही जो है ना आप मीटिंग्स ये अटेंड कर सकते थे, तो कर सकते हैं जैसे कि टाइम दिया गया यहाँ पे। तो अगर मैं आपको देखूँ इस विंडो में, आप देखें ना, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन मीटिंग्स है ना ये चल रही है स्टूडेंट्स की, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं। और ये देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं, तो आप भी अपने क्वेश्चन जो है ना इसी तरह इनसे पूछ सकते हैं। अब ज़रा मैं आप बताऊँ कि आपने सबसे पहले ना करना क्या है इस मीटिंग्स को ज्वाइन करने के लिए। मोस्टली आपके पास क्या होता है कि आपके पास होते हैं मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन जो है ना उसके अंदर आपने अब जूम इंस्टॉल कर लेना है। और जो मज़ीद सीखने से पहले आप इस वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं जो भी बनाए हम आपके लिए वो आपको इस चैनल के ऊपर नज़र आ जाएं। तो मोबाइल चूँकि आपके पास एंड्रॉयड्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में से जाके जूम जो है ना एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जूम, ये देखें यहाँ पे उसका लोगो भी आ गया, जूम वीडियो कम्युनिकेशन। तो मैं उसका एक लोगो दिखा देता हूँ आपको, ये प्ले स्टोर है और इस तरह का लोगो एक होता है जूम का। तो आपने ये इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपने एक VU ईमेल आपको दी जाती है, जो जब आपका LMS वगैरह आता है ना शुरू में, ईमेल में है और बाकी चीज़ें, ये आपको प्रोफाइल में भी मिल जाती है आपकी ईमेल्स, तो उस ईमेल को आपने ना लाजमी लगा लेना है अपने मोबाइल के अंदर, जैसे बाकी ईमेल्स वगैरह लगाई जाती हैं। अब वो ईमेल कैसे लगाई जाती है वो भी आसान सा ही है तरीका। ईमेल होती किस तरह की है मैं बता देता हूँ, BC, मैं एक फर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह की ईमेल्स। और अगर आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम शकील अहमद है, तो शकील का S आ जाएगा और अहमद का AH आ जाएगा, इस तरह करके @vu.edu.pk ये आपने मोबाइल में लगा लेनी है। और जब ये सेशन स्टार्ट होंगे ना आपके, तो आपने क्या करना है, इन सेशंस को इस ईमेल के ज़रिए लॉगिन करना है। इसके अलावा सिंपल यूनिवर्सिटी ने क्या किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे LMS में देख रहे हैं कि ये CS 101 की अनाउंसमेंट्स थी। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, कंप्लीट करनी है, ताकि उसके ऊपर अमल भी करना है, ताकि आपको जो भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपको समझ आ जाए। और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो फिर क्या करना है, आपने जूम को ना इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये जूम ऐप है और यहाँ से हम इसको अगर जाएं जूम के अंदर, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने चूँकि पहले से डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल कर लिया था, तो ये यहाँ पे चल रहा है। और मैंने क्या किया हुआ है, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया था मीटिंग को, ठीक है। मेरा दोबारा भी आ जाता है, मैं आपके सामने कर देता हूँ ये जूम। और यहाँ पे देखें ना, ये साइन इन मांग रहा है आपसे, तो आपने साइन इन क्या करना है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, वर्जन है, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया हुआ है, ये मेरे साथ सामने चल रहा है। जब आप उसको चला लेंगे, ऑन कर लेंगे, तो ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन आएगा और फिर आपने इस लिंक को क्लिक करना है। और अगर आपसे मांगी जाए मीटिंग ID, तो आपने ID में ये डाल देना, और जो पासकोड है ये वाला कॉपी करके उसमें आप डाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का बिल्कुल ऐसे सेशन आपका ज्वाइन हो जाएगा जैसे ये आपके पास चल रहा है। आपने हेडफोन अपने लगा लेने हैं, ताकि जो आप बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे, और फिर जब आपको बोलने का आप कुछ पूछना चाहें तो फिर आपने हैंड रेस करना होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये अनम्यूट करके आप फिर, ठीक है, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये होती है जूम मीटिंग्स, और उसमें आपका टीचर होता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिस्कशन करते हैं उस सब्जेक्ट के हवाले से, उसमें जितनी भी चीज़ें आपके पास होती हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ईमेल आपने लाजमी लगा लेनी है, और इसका पासवर्ड जो वही होता है जो फर्स्ट टाइम आपके पास ना आता है, फर्ज करें जी वो होता है CZG, ठीक है ना, इस तरह करके वो होता है पासवर्ड, ठीक है, ठीक है, इस तरह का पासवर्ड होता है वो आपने लगा लेना है। उसके साथ आपने ईमेल को लॉगिन कर लेना है, और जब भी आपसे कहा जाए तो हमेशा अगर ये ID और पासवर्ड आपको ना दिया जाए, तो फिर आपने जो मीटिंग है ना वो आपने अपने आई में
जो ईमेल आईडी से ना उससे ज्वाइन करनी होती है, यानी आपके ब्राउजर में ईमेल में जो अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो फिर जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि ईमेल यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपके पास वही ईमेल लगा होना चाहिए, उसको अलाउ किया जाता है। ठीक है, बाकी सिंपल सा है, क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और लास्ट में अगर आप जब मीटिंग को लीव करना चाहेंगे तो यहाँ पे लीव कर देंगे। ठीक, लीव मीटिंग का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे ये मीटिंग आपकी हो गई ख़त्म। ज्वाइन मीटिंग में जाएं, ठीक है, अब हम ज्वाइन मीटिंग करते हैं और ये ऑप्शन आएगा मीटिंग आईडी, तो यहाँ से हम मीटिंग आईडी उठाते हैं, ये वाला हम मीटिंग आईडी उठा लिया। ठीक है, पहले मैंने लिंक को कॉपी किया था, अब उसको इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने उसको साइन आउट किया है और वो पूछ रहा है कि मुझसे लॉगिन आईडी और साथ में नीचे से ये आ जाएगा पासवर्ड, तो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे हम इसको करते हैं ज्वाइन। ये ज्वाइन हो गया, अब वो पूछ रहा है कि मीटिंग का पासवर्ड क्या है, तो ये मीटिंग का पासवर्ड आपको भेजा हुआ है वो आपने यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद ज्वाइन मीटिंग करेंगे। ऐसे ज्वाइन करेंगे तो वीडियो, चूँकि ये नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और अभी आपका जो सेशन है ना वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, वो वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग, अब वो इसको ना कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह वर्चुअल विजिटिंग आवर सेशंस। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ने अपना नाम लिखा हुआ है और जैसे ही ये ज्वाइन होता है यहाँ पे ये ओके हो जाएगा और पहले की तरह मीटिंग आपने स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लिंक को क्लिक करें और फिर आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये जैसे ही होता है ये बाजू का थोड़ा सा टाइम लगा देता है ज्वाइन होते हुए, क्योंकि टाइम भी गुजर चुका है तकरीबन, तो ऑलमोस्ट ये सेशन भी क्लोज होने वाला है, तो हो सकता है क्लोज हो गया हो। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो फिर ऑप्शन आ देगा, ये ब्राउज़र का लिंक दिया होता है, आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप उसको इंस्टॉल करके आप बाकायदा से जब करते हैं तो फिर वो स्क्रीन आप वो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, एक दो दफ़ा करके देखिएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। और आपने अब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल स्टूडेंट की फ़ायदे के लिए बनाया गया है और कोशिश की जाती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जल्द से जल्द स्टूडेंट तक पहुंचा दी जाए ताकि वो अपनी स्टडी में कामयाब हों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में ये देखें कि वो जो मैंने लिंक क्लिक किया था ना वो ओपन हो रहा है। आज स्लो इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग जाता है, तो ये हो जाएगा। खैर, आपने सीख लिया है, कोई मसला नहीं, इसमें जूम इंस्टॉल कर लीजिएगा और जब उसको ज्वाइन करना हो तो मीटिंग आईडी कॉपी किया, पासवर्ड कॉपी किया और अपना आपने मीटिंग शो कर ली। ठीक है, तो वो कह रहे कि ओपन जूम मीटिंग या कैंसिल, यहाँ पे हम कैंसिल करके इसको ना लॉन्च मीटिंग कर देते हैं। ठीक है, वो चूँकि ऑलरेडी किया हुआ है तो इंस्टॉल यहाँ पे जूम, तो वो कह रहे कि जूम से कर लें, तो हम इसको जूम से कर लेते हैं, वो हो रही है। ठीक है, एक ही चीज़ है, वो यहाँ से आगे उसको ले जा, वहाँ से ले तो ये ज्वाइन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, आप खुद इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।